भी आए थे, क्या नारा लगाया था वोट के लिए, किस हिसाब से बोला गया था? आया थी लोकसभा में 70,000 करोड़ उनकी 80,000 करोड़, 90,000 करोड़7,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। कितना पैसा मिला बिहार को बताइए? आप तो अपने चाचा से पूछना चाहेंगे, पट्टू चाचा जी से, नरेंद्र मोदी जी पूछो दिए हैं आपको? बड़े डीएनए का गाली दिए थे, आप डीएनए बना दिया। लेकिन बिहार को जो 7,00,000 करोड़ का पैकेज का जो वादा था, कितना उसमें से मिला? क्या हुआ बिहार को विशेष के दर्जे का? क्या मिल रहा है बिहार को? पूरी तरीके से ये लोग कहते हैं बिहार में डबल इंजन की सरकार है। मैं कहता हूँ कि एक इंजन अपराध में है और दूसरा इंजन जो है भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बिहार को सुनने वाला कोई नहीं। पूछ लीजिए किसी से भी, पूछ लीजिए ब्लॉक हो, पंचायत हो, कहीं भी आप चले जाइए कोई काम के लिए, बिना घूस के अगर कोई काम हो रहा है तो आप बता दीजिए। जाति प्रमाण पत्र भी बनाना हो तो उसमें भी आप लोगों को घूस देना पड़ता है। घूसखोरी अक्सर सारी चरम सीमा पर है। ये सरकार जनता के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, ये सरकार केवल केवल चंद परिवारों के लिए है, उसको खड़ा बनाने का काम कर रही है। और पूरी तरीके से आप बताओ किसान को रहा है कि नहीं है? आज मिल रहा है लोगों को, कुछ नहीं मिल रहा, ना उनका अनाज खरीद हो रहा है, ना उनको जो मिलना चाहिए था सारा चीज, पूरी तरीके से कुछ भी नहीं मिल रहा। मजदूर बेहाल, नौजवान बेहाल, जहाँ चले जाइए कोई भी लोग खुश नहीं है। मौजूदा सरकार रोजगार और अभी जो आरक्षण जो बढ़ाने की हमारी बात, आप लोगों के बीच क्या तीस जी आज लोहिया जी कर्पूरी जी बीजेपी जी की, और आज क्या बोल रहे हैं? आज मोदी जी और भागवत जी का चमचय करने लगा, मोदी जी और भागवत जी का चमचय करने लगा है। नीतीश कुमार जी से वो बिहार से प्यार नहीं, बिहार की जनता से प्यार नहीं, उनको केवल केवल अपनी कुर्सी से प्यार है। उनका कोई विचारधारा नहीं, वो अपने विचारधारा से समझौता करने के लिए तैयार है, सौदा करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको बस केवल केवल नौकरी बनाना। जो डीएनए का गाली दे देगा, आप उसके शरण में कैसे चले जाइएगा भाई? बाल कटवा करके, नाखून कटवा करके दिल्ली भिजवा मिट्टी में मिल जाएंगे बोलते थे ना, ठीक बोले कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। बोलते थे कि बोलते थे बोलते थे कि सर मुक्त भारत में आएंगे, क्या हो? लेकिन अंतर आत्मा देखिए सुप्रीम कोर्ट पटना के पटना लगा था, मुजफ्फरपुर होम सेंटर को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कर दिया। और बताने की जरूरत है तो भागलपुर में, भागलपुर में तो देखा स्टूडेंट होता है, यही ना प्यार था मोदी जी से नीतीश कुमार जी को, इसीलिए ना भाजपा में जाकर के मिले हैं, क्योंकि सृजन का डर था। जो बेईमान होता है, जिसने गलत काम करता है, वही जाकर के शरण में जाने का काम करता है। आज नीतीश कुमार जी सृजन घोटाले में पूरी तरीके से लिप्त हैं। आज बताइए मनोरमा देवी के बेटे और बहू अभी भी गुड़िया में घूम रहे कि नहीं घूम रहे? क्या कार्रवाई हुई? सीबीआई के अधिकारी कहा जाता है, जितने भी संवैधानिक संस्थान है पूरी तरीके से खेल हो रहा है। देश को बेच दिया है लोगों ने अपने फायदे के लिए, बर्बाद कर दिया है सभी संवैधानिक संस्थानों को, अपने हिसाब से लोग काम कराने का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पटकार लगाई तो नीतीश कुमार जी का खाली अंतरात्मा तेजस्वी न जगता, अंतरात्मा बहुत सारा। हमको तो लगता है नीतीश कुमार जी का अंतरात्मा जो है बंगाल की खाड़ी में डूब गया। नेता का क्या होता रहा है, पुलिस
काउंटर होता रहा है, व्यवसायों को अपहरण करके मार दिया जा रहा है, बच्चियों के साथ गैंगरेप किया जा रहा है, होता क्या है बिहार में? पूरी तरीके से नीतीश कुमार कितने लोग हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, मुख्यमंत्री है, और फिर भी मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी अपनी चुप्पी को तोड़िए, यहाँ पे इतना भी फर्क नहीं गिर रहा कि आपका मुंह जम गया हो। अगर आपका गलत काम किया है, आपकी जवाबदेही बनती है जवाब देना जनता के प्रति, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब देने का काम। लेकिन इधर इधर नहीं, तो खाली इतने सोने सोचते रहते दिन भर, इनका खुशी कैसे बचा? 24 घंटा बिहार का विकास का चिंता नहीं, कैसे नकारात्मक राजनीति हो, कैसे किसको बदनाम किया जाए, कैसे जोड़ो, कैसे तोड़ो, इसी में नीतीश कुमार जी का ध्यान लगा रहता है। आज जब हमारा जो संघीय ढांचा जो है, आज जब खतरा है उसके, तो भी नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए। आज बताइए, ये भाजपा के लोग संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, भाजपा के लोग आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पीछे कर लिया उसको मिटा करके नागरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, फिर से वही वन व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जिसमें सदियों सदियों पहले आप लोग देखते होंगे छुआछूत भेदभाव। अभी जो आरक्षण स्वर्णों को आरक्षण जो 10% देने का काम किया गया बिना कोई आधार के, बिना कोई आयोग के, बिना कोई संरक्षण के, बिना किसी मांग के, बिना किसी आंदोलन के 72 घंटे में आरक्षण दे दिया गया। कमीशन जो लागू हुआ था, इतने साल लगे लागू होने में, लोगों का आंदोलन था, कितने खून बहे, इतना चीज हुआ था, आयोग बैठा था, सर्वेक्षण हुआ था, सब जाकर के गिरा। देखिए, हम लोग स्वर्ण गरीबों के विरोध में नहीं, हमारी तो पार्टी ही गरीबों की पार्टी, हम लोग तो गरीबी हमारे वर्गों में भी है, पिछड़ों में भी, गरीबों में भी, अल्पसंख्यकों में भी। लेकिन आप एक बात बताओ, मेरा ये मानना है कि ये जो 10% आरक्षण जो दिया गया, ये स्वर्ण गरीबों को नहीं बल्कि स्वर्ण अमीरों को आरक्षण देने का काम किया गया है। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, हम पूछना चाहते हैं कि आप बताइए, सालाना 8 लाख रुपए कमाने वाला और महीना अगर 8 लाख का निकाला जाए तो 66,666 रुपये महीना में, ध्यान से सुनिएगा, महीना में अगर एक व्यक्ति 66,666 रुपये कमाता है तो वो गरीब है या अमीर, आप ये बताओ? अमीर है ना, तो आरक्षण उसको मिला। जो महीना में 66,000 मिलना किसको चाहिए था? जो 5 लाख कमाने वाला, जिसको रोजगार नहीं, जो भूखे पेट सोता है, 10,000-15,000 महीना उसको भी दे दो। लेकिन 66,000 तो महीना में कमाए सालाना, जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे 50%, मतलब एक तरह से आप इनकम टैक्स रिटर्न ले रहे हैं और दूसरी तरफ से आप आरक्षण दे रहे हैं, सही गलत है कि नहीं है? हम तो गरीब की पार्टी है, गरीबी जहाँ भी होगी हम उसके लिए खड़े रहेंगे, लड़ाई करने के लिए, हम तो स्वर्ण गरीबों के साथ है। लेकिन ये तो स्वर्ण गरीब अमीरों का आरक्षण मिला। आप बताइए कि 5 एकड़ जिसके पास जमीन है वो अमीर है कि गरीब है? अमीर है तो उसको भी आरक्षण, बेईमानी। जो भूमि है उसको आरक्षण नहीं, जो रोड पर सोता है, जो झोपड़पट्टी में रहता है उसको आरक्षण नहीं, लेकिन जितना के पास 5 एकड़ जमीन का उसके आरक्षण दिया। गलत है कि नहीं? गलत है। इसका आप विरोध करें तो क्या दिक्कत है? तो गलत बात, यानी गरीब की बात नहीं तो अमीर की बात। आप सोचिए, पिछड़ों का, आपकी पिछड़ों का, दलित महादलित लोग का शुरू से मांग रहा है, लड़ाई कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टरों में आरक्षण मिल जाए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आज तक हम लोगों को आरक्षण नहीं मिला।
10% पदों को प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दे दिया गया। कौन है प्राइवेट सेक्टर में शुरू से डुबा दिया कौन? हम लोग कहाँ जाएगा भाई? हम लोगों का मांग है जिसकी जितनी आबादी होनी चाहिए उसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जनसंख्या के आधार पर उन लोगों को उतना आरक्षण मिलना चाहिए। जाते बाबू कहा करते थे पहली पीढ़ी गोली खाएगी दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी तीसरी पीढ़ी जो है राष्ट्रपति का काम करेगी। आज जो है स्थिति फिर से ये लोग और व्यवस्था लाना चाहते हैं और संविधान जितना आरक्षण कुछ लोगों को दलितों को मिला हुआ है कुछ लोगों को मिला हुआ है आदिवासी भाइयों को मिला हुआ है 1931 की जनगणना के आधार पर मिला हुआ है 1931। आज 2019 हो गया। हमारी मांग है कि इतने साल में आदिवासियों की भी जनसंख्या बढ़ी है पिछड़ों की भी जनसंख्या बढ़ी है अति पिछड़ों की भी जनसंख्या बढ़ी है दलित महादलितों की भी जनसंख्या बढ़ी है उसके नए सिरे से जातीय जनगणना होकर के जिसका जितना आबादी मिलता है उस हिसाब से उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। जब तक आरक्षण बढ़ेगा नहीं तब तक आप नौजवान भाइयों को रोजगार नहीं मिलेगा रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए हम आप लोगों के बीच आए आज लालू जी को जेल में किसने भेजा गया क्योंकि उन्होंने सामाजिक न्याय का झंडा ऊंचा किया मनोवादी सामंतवादियों से लड़ने का काम किया आज लोगों की लड़ाई तो लड़ रहे हैं इसलिए आज लालू जी को सजा देने का काम ये लोग कर रहे हैं। और ये लोग जानते थे मोदी जी नीतीश जी कि लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी पार्टी के लालू में दम नहीं जो हमारे संविधान लालू जी को जेल भेजेंगे तो लालू जी डरा गए तो लालू जी डराए नहीं लोग सोचा कि इनके बाल बच्चा पे भी मुकदमा कर दो हो सकेगा परिवार पे केस मुकदमा होगा तो उससे लालू जी डर जाएंगे। आप लोग समझ जाइए मोहन भागवत जी आरएसएस के लोग नीतीश कुमार मोदी जी आपके जिगर भक्ति से लालू यादव डरने वाला नहीं लालू यादव शेर है तेजस्वी यादव जिंदाबाद सामाजिक न्याय धर्म चेष्टा को मजबूत करने का काम करेंगे। इसलिए लोग सब लोग समझ जाए लालू जी ने आज तक समझौता नहीं किया अपने विचार से आप लोगों की लड़ाई जिंदगी भर लड़ने का काम किया। अगर लालू जी के मन में बेईमानी होता तेजस्वी के मन में अगर समझौता ना करके आपकी लड़ाई कर अगर 100 बार भी मुख्यमंत्री के कुर्सी को लाभ माना जीजा है सातों जीजा पर मुकदमा कर दिया सात जीजा है
तो मेरी बहनों के समझिए कि सास ससुर भी है, यानी 14 लोग सास ससुर मिलाने के साथ, यानी 14 सब 14 पे केस कर दिया सास ससुरों पे, वो नहीं जितने भी सास ससुर 14 लोग थे उनके रिश्तेदारों पे भी केस कर दिया। पूरी तरीके से हम लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब पिताजी को जेल भेजा जा रहा था तो हमको बोल रहे थे, हम साथ में थे, बेटा निराश मत होना, जब भी निराश हो गए तो अपने मालिकों के बीच चले जाए, आज हम अपने मालिकों के बीच आते हो तो बीच जिंदाबाद। ये लोग चाहे कुछ भी तबाही मचा ले, आप लोग हमारे साथ हैं तो कोई हमारा बाल बांका नहीं करेगा काम। इसलिए आप लोगों के बीच आए, आप लोगों से अपील करना है कि आज देश पे खतरा, ये लोग भाई भाई में दंगा फसाद कराने का काम कर रहा है। नीतीश कुमार जी वही दंगाइयों को सत्ता में लाने का काम किए हैं, वही दंगाइयों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। क्या विकास के बाद पर चर्चा नहीं होती, गरीबी पे चर्चा नहीं होती, नौजवानों पर चर्चा नहीं होती, किसानों पर चर्चा नहीं होती, मजदूरों पर चर्चा नहीं हो रही है? और जब हम लोग सवाल पूछ रहे हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से कि कहां गया तुम्हारा वादा, क्या तुमने देश के लिए किया, क्या तुमने बिहार के लिए किया, तो ये लोग फिर से दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान भाई भाई में नफरत फैलाना, समाज में दर्द फैलाना, यही काम में लगे हुए हैं। तो एक चिंतुला चल रहा है, सीता जी राम जी स्वर्ग में बैठे हुए, राम जी को हिचकी आता है तो सीता मैया पूछती है हे प्रभु काहे हिचकी आ रहा है, तो राम जी बोलते हैं लगता है चुनाव पास में है, बीजेपी याद कर रही है। दंगाइयों से आप लोग बचने का काम कीजिए, ये लोग कोई काम के लोग नहीं है, ये लोग सिर्फ तोड़ने वाले लोग हैं। इन लोगों ने देश की आजादी में इनका कोई कुर्बानी नहीं रहा, ये महात्मा गांधी के हत्यारे लोग हैं। इन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी करने का काम किया है जिंदगी भर। और यहाँ गिरिराज सिंह जी हम लोग जब सवाल पूछते हैं, जब भाईचारे की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो गिरिराज सिंह बोलते हैं कि इन सबको पाकिस्तान भेज दो, गिरिराज सिंह के जो देश गिरिराज सिंह के बाप का देश लोगों का जिंदगी भर अंग्रेजों का गुलामी किए, दलाली किए, ये लोग हम लोगों को भक्ति सिखा रहे हैं, ये भक्ति का सर्टिफिकेट जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सब लोगों को समझने की जरूरत है, ऐसे ऐसे लोग जो है देश के लिए खतरनाक, अंग्रेज को तो हम लोग भगा लेकिन इनको तो अपने समाज को बचा नहीं दो, लेकिन इन लोगों को खड़ा सजा देना है और सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। उसने आप लोग एक मानने का काम कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, आरक्षण को लड़ाई को इस आंदोलन को बेरोजगारी हटाने के लिए, आरक्षण बढ़ाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, भाईचारे के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए और साथ ही साथ लालू जी को न्याय के लिए आप लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए हर एक रहने की जरूरत है। अब भाग रखने का समय नहीं है, जाकर के आप लोग जो है प्रचार प्रसार करने का काम कीजिए और लालू जी को और राष्ट्रीय जनता दल के हाथों को आप लोग मजबूत करने का काम कीजिए। आज हमारे पिता जेल में बीमार है, दिल का उनको बल्ब छेद हुआ, ऑपरेशन हुआ था कुछ साल पहले, दिल की बीमारी, आपको किडनी का बीमारी, आपको किडनी में पत्थर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तरह तरह की बीमारियां है, जिंदगी भर छात्र जीवन से लेकर आपका उनका बाल पक गया, 70 साल से भी ज्यादा उम्र हो गया, लेकिन आज भी इस उम्र में भी इस हालात में भी आप लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। आज हम लोगों का फर्ज बनता है ऐसे व्यक्ति
लोग नीचे से आप लोगों की लड़ाई लड़ने करता हूं क्या? आपके लिए भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। मैंने बताया तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। एक नारा लगाए उसके पीछे आप लोग भी बोले, हम बोलेंगे भाजपा बगाओ, आप बोलेंगे देश बचाओ। भाजपा बगाओ देश बचाओ, भाजपा बगाओ देश बचाओ, देश बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। तेजस्वी यादव जिंदाबाद।